भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जिसके चलते बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोग अब पौराणिक विधि को अपनाने लगे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों की देन योग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि योग भगाए रोग। वहीं मिट्टी में ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हर रोग का इलाज करते हैं। सबका सहयोग नामक संस्था ने प्रज्ञा योग धाम के साथ मिलकर साइबर सिटी में केंद्र खोला है। इस केंद्र में पंचकर्मा द्वारा पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। मैं कम से कम 3,000 से 3,500 लोगों को अब तक ठीक कर चुका हूँ 10 सालों में योग के द्वारा। मैंने डायबिटीज तो बिल्कुल खत्म किया है लोगों की, और बैक पेन, घुटनों का दर्द, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक भी। एक लेडी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की आई थी, वो ठीक हो गई थी। मेदांता से उसका इलाज चलता था, हम यहाँ योग प्राणायाम कराते थे उनको, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ऐसे अनेक को एग्जांपल हैं जिससे हमने लोगों को ठीक किया है, और आगे भी बहुत ठीक करेंगे। लोगों का लाइफस्टाइल हम बिल्कुल बदल देंगे और प्राकृतिक ले आएंगे। बीमारियां तो इतनी दूर हो जाएंगी, लोग 100-100 साल 150-150 साल तक जैसे पहले जीते थे आगे भी जिएंगे। पद्धति अपने अपने लेवल पर काम करती है, हम ये नहीं कह सकते ये पद्धति ज़्यादा अच्छी है, पद्धति ज़्यादा बुरी है। लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति एलोपैथिक से बेहतर थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है, वो जो गोलियां आप खाते हो वो आपको लीवर के लिए खा रहे हो लेकिन किडनी को नुकसान दे रहा है, लेकिन टेम्परेरी भी है। लेकिन जो आयुर्वेदिक है वो नुकसान नहीं है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट है। आप जिस बीमारी को इलाज कराने आ रहे हो वो तो ठीक हो रही है, साथ में जो बीमारी आपको लगने वाली थी या कुछ और दिक्कत थी वो भी साथ में ठीक हो जाती है। इसलिए हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं, हमारी ऋषि मुनियों की जो पद्धतियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र के भले के लिए ही थी, उनके नुकसान के लिए नहीं थी। लेकिन एलोपैथी में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, एलोपैथी में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन आयुर्वेदी में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुराः। आज सबका सहयोग सोसाइटी और प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एक नया कार्य शुरू किया गया, जिसका नाम है प्रज्ञा योगधाम। प्रज्ञा योगधाम NCR में सबसे गुड़गांव के नज़दीक 15 मिनट के डिस्टेंस पे ये बनाया गया है योगधाम, जिसके अंदर यहाँ पर पूरा वातावरण जो है बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल है, और जिसके अंदर हम लोगों को शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन और शुद्ध ट्रीटमेंट, प्राकृतिक ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोगों को यहाँ ठीक करेंगे, जिनमें उनको रहने की पूरी व्यवस्था दी जाएगी, चूल्हे का खाना, मिट्टी के बर्तनों में खाना, और लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी, क्योंकि लोग जो हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा मिलावट के खाना और प्रदूषित वायु की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी पेट संबंधी, सर्वाइकल और ना जाने किस तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए आज इस प्रज्ञा योगधाम की स्थापना की गई। देखो, लोगों को पता ही नहीं है कि शरीर को किसी दवाई की जरूरत ही नहीं होती, जबकि क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग पावर होती है। अगर आपका हाथ कट गया है, अगर आप उसमें सिरम्पल पट्टी करके भी छोड़ देंगे तो समय अनुसार वो भी भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर के अंदर अगर हम देखो, हमारे ऋषि मुनि जो थे पहले हमारे से व्रत वगैरह रखवाते थे, वो परंपराएं ना हमारे शरीर को शुद्धि करने के लिए की जाती थी। लेकिन आजकल लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, रात को 12 बजे खाना है, सुबह 4 बजे तक सोना नहीं है, और इन सभी चीज़ों की वजह से और मिलावटी खाने की वजह से लोग बीमार हैं, और वो अब बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं लोग हमारे से जुड़ें और हमारी इस सोसाइटी को ज्वाइन करें, यहाँ पर आकर के देखें, हम उनको शुद्ध वातावरण के अंदर शुद्ध भोजन द्वारा ही सब कुछ प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर शुल्क और निःशुल्क, उन पर डिपेंड करता है कि उनको किस हिसाब का ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गरीब लोग हैं या जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनको हमारी संस्था निःशुल्क भी ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी। उसके लिए कि मतलब जो डरने वाली कोई बात नहीं है, कि हमें कोई ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से ही वो काम कर रहे हैं। ठीक, देखो भाई, सबका सहयोग परिवार ने ये जगह दी है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और यहाँ पर गुरु गोपाल जी जो है वो सारे काम योग के कराएंगे, जिसके अंदर शिरोधार्य से लेकर और बहुत कुछ तक मठ बात तक है, और ऐसे रूम बना रखे हैं इन्होंने, और यहाँ पे कच्ची रसोई भी है, पक्की रसोई भी है, यहाँ पर पेड रूम भी है, और इस तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये कार्यक्रम चलता है। मैं तो कहता हूँ ये समाज के लिए बहुत बड़ी देन है और बहुत बड़ा उपकार है, ऐसे कार्य करेंगे तो 100% कारगर साबित होगा। हमारे यहाँ मिलावटी सामान मिल रहा है,
और जिसको खाकर कैंसर तक की जैसी बीमारियां हैं वो उनके यहाँ से ठीक हो जाएंगी, ऐसी मेरी मनोकामना ही है। और इसी तरीके से ऐसा कार्य चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारा पर्पज है वो अचीव हो जाएगा।